खड़े ट्रक में घुसी मेटाडोर, दो की मौत। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए चलते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 स्थित अड्डाल गांव में एक भीषण हादसा हो गया। आज सुबह हादसे की मेटाडोर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मेटाडोर में परिचालक के रूम में मौजूद एक युवक को स्थानीय रहवासियों और पुलिस की मदद से नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि टमाटर से लोड मेटाडोर सिवनी से प्रयागराज की ओर जा रही थी। अड्डल गांव में पहुंचा तो कोहरे के कारण सड़क किनारे खड़े ट्रक से मेटाडोर की भिड़त हो गई। सुबह राजगीर द्वारा दी गई जानकारी के बाद मौके पर पहुंची गढ़ थाना पुलिस ने दोनों शवों को पीएम हेतु मर्चुरी भिजवाते हुए फौजाबाद सिवनी दोनों मृतकों के परिजनों की जानकारी दे दी है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। आज सुबह भोर में लगभग 3 बजे एक DCM ट्रक टमाटर लोड करके सिवनी से इलाहाबाद की तरफ जा रहा था। गढ़ थाना जो है नेशनल हाईवे, एक ट्रक रोड किनारे खड़ा हुआ था, उससे जा करके पीछे से टकरा गया, जिससे जो सवार चालक था वो और उसका क्लीनर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची, ड्राइवर की मृत्यु हो चुकी थी और जो उसका उनका क्लीनर था वो भी गंभीर रूप से घायल था, जिसको अस्पताल भेजा गया। रास्ते में उसकी भी मृत्यु हो गई। दोनों का जो है पोस्टमार्टम कराया गया है। चालक जो है दिलीप मौर्या है और एक पंकज पटेल उनका क्लीनर है। दोनों जो है इलाहाबाद के रहने वाले हैं, फैजाबाद के रहने वाले उत्तर प्रदेश से हैं और उनका PM किया जा सकता है। उनके यहाँ सूचना भेजी गई है और प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसकी विवेचना थानागुड़ के प्रभारी ठाकुर साहब कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।